हेलो साथियों, ये 4 वर्षीय बीएड इंटीग्रेटेड बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ है 12 तारीख को यानी आज ही के दिन, तो ये इसका मैंने ये जीके जीएस को कवर किया था उसका पूरा आंसर की। तो आप मतलब डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा और आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप इन्हें देख सकते हैं इनका आंसर की। तो फिर हम मैंने हिंदी के क्वेश्चन को, ये हमारा जो 15 नंबर का जो क्वेश्चन हिंदी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, अर्थात उसके पूर्ण रूप से जो हमारा ये आंसर की होगा ये 100% एक्यूरेसी 100% सही होगा। 16 और यह सेट नंबर सी है। अगर आपका सेट नंबर दूसरा होता है तो आप क्वेश्चन को पहले मिला लीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा मैंने किताब पढ़ी है, तो इस प्रकार 16 का ए हो जाएगा। 17 नंबर है, पिताजी को प्रेषित पत्र में संबोधन शब्द क्या होता है? तो ये जब ये हमारा लेटर लिखाता है पिताजी के नाम पे, तो हमारा यह क्या लिखाता है? पूज्यवर पिताजी, सादर प्रणाम। तो इस प्रकार 17 का हमारा सी हो जाएगा। और देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत ही यूट्यूब पर विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है। एक भी यूट्यूबर, मतलब यूट्यूबर तो कहना गलत होगा, एक भी शिक्षक जो कि बेहतरीन शिक्षक हैं, फिर भी उन्होंने इस 18 नंबर क्वेश्चन पे उसका सभी ने आंसर गलती दिया है। जिस पर मुकदमा किया गया हो वह हमारा मुजरिम नहीं कहलाता है, वह हमारा प्रतिवादी कहलाता है। तो जान जाइए कि 18 जिस पर मुकदमा किया गया हो वह हमारा प्रतिवादी होता है। तो इस प्रकार 18 का बी हो जाएगा। अगर कहीं भी आपको यह लगा हुआ है कि नहीं 18 का 4 होता है, तो आंसर की को आने दीजिए और देखिएगा कि नहीं 18 का बी होगा यानी प्रतिवादी होगा। मैंने एक जो मतलब ये हमारा अति से रिलेटेड है कानून से, तो मैंने कानून के जानकार से भी पूछा कि इसका क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए किसी पर अगर केस करते हैं तो जिस पर मुकदमा किया गया हो वह प्रतिवादी होता है, और कोई भी आदमी जिस केस को करता है वह वादी होता है। तो इस प्रकार 18 का 2 हो जाएगा। तो आप आंसर से संतुष्ट हो गए होंगे, तो एक लाइक एक सब्सक्राइब अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर कर दीजिए इस खुश होकर। 19 नंबर क्वेश्चन है, अक्षर वर्ण तो क और स के संयोग से, जो कि 19 का बी हो जाएगा। ये हमारा 19 नंबर क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये अक्षर वर्ण बना हुआ है क और स के संयोग से, तो इस प्रकार 19 का हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद दोहखरे यह दोहा कितना 12 पढ़े होंगे, यह हमारा कबीर का है। रश्मि रथी जो कि हमारा मतलब ये हमारा रामधारी सिंह दिनकर जी ने दिया था, रश्मि रथी आप पढ़िएगा, बेहतरीन रामधारी सिंह दिनकर जी का लिखा हुआ यह है। पानी पानी होना यानी लज्जित होना, मतलब कहता है ना वह पानी पानी हो गया, मतलब क्या वह लज्जित हो गया। तो 23 नंबर क्वेश्चन आँख का पर्यावाची नहीं है, तो ये अनंग जो है ये आँख का हमारा पर्यावाची नहीं है। उसके बाद जंगम का विपरीतार्थक क्या होता है? तो ये हमारा अस्थावर होता है। तो जान जाइएगा 24 का हमारा ये अस्थावर हो जाएगा। 25 नंबर इनमें अविभाव समास, तो अविभाव समास ये आजन्म, तो देख सकते हैं इनका उत्तर 25 का ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 25 का 4 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विसर्ग संधि तो ये तो आप सही ही बनाए होंगे, निसफल आपसे लग ही रहा है निसफल, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह विसर्ग संधि हो जाएगा। 27 नंबर इसमें कौन सा अकर्मक क्रिया है? देखिए यह क्वेश्चन ये भी विवाद खड़ा करता है, यहाँ हंसना पढ़ना खाना खेलना, फिर भी जो बेस्ट होगा वह हमारा अकर्मक में खेलना होगा। तो ये क्वेश्चन अगर मतलब उनके अनुसार अगर आंसर गलत होता है तो यह क्वेश्चन एक विवाद बनेगी, जो अगर मिलेगा तो सबको कॉमन मिलेगा, और नहीं अगर ऐसा होता है तो बोर्ड का आंसर की जो जारी करेगी, लेकिन मेरे अनुसार 27 का ये 4 होगा। 28 है स्त्रीलिंग शब्द, तो ये हमारा परीक्षा जो परीक्षा शब्द जो है ये स्त्रीलिंग है, और आप जानते भी होंगे दही घी मोती पानी जो होता है ये हमारा पुलिंग होता है। मनुष्यता
यानी मनुष्य में जो ता लगा हुआ है यानी क्या उसकी भाव वाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार 19 का हमारा 4 हो जाएगा। लास्ट है हिंदी का, ये हमारा रात। तो रात उसका जो रात्रि होता है वो हमारा तत्सम होता है, लेकिन रात है तो यह हमारा तद्भव होगा। तो प्लीज़ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक शेयर जरूर बनता है। तो आगे भी हम इसका पूरा आंसर की लाएंगे। तो अगर आपने ये पहले वाले वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में डली हुआ है वीडियो, वहाँ 40 का जो हमारा जीके जीएस क्वेश्चन था मैंने डिस्कस किया है, तो आप इन्हें देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो फिर से कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।